हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। मतलब मेनली इस वीडियो में मैं सिर्फ वही यूनिट्स बताऊंगा जो हमको साइट पे यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर साइट पे जो भी अपना मेजरमेंट रहता है वो सब का सब फुट में रहता है या फिर ब्रास में रहता है। तो अभी हम कॉलेज में जब भी कभी कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेशन वगैरह करते थे वो या तो मीटर में करते थे या फिर मिलीमीटर में, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी है इसमें ही करते थे। लेकिन जो साइट पे यूनिट्स यूज होते हैं वो मेनली रहते हैं फुट में। तो अभी फीट का जो होता है, सबसे पहले 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, ये सबको मालूम है। लेकिन साइट पे है ना, गड़बड़ में कभी ध्यान नहीं रहता, तो गड़बड़ में हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए इसको मैं पहले बता रहा हूँ, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। और दूसरी बात, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। अभी आपका एरिया स्क्वेयर फुट में है तो आपको स्क्वेयर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो 1 स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वेयर फुट। तो जो भी आपका स्क्वेयर फुट का एरिया है उसको अगर आप 10.76 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो एरिया मिलेगा स्क्वेयर मीटर में। तो ये हो गया जो सरफेस का है। अभी अगर आपको वॉल्यूम का कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम का कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे। अभी साइट पे जो भी मटेरियल आता है, खड़ी आता है, क्रश सैंड आता है, वो सब जो आता है हमको ब्रास में आता है। तो ब्रास क्या होता है, पहले ब्रास होता है 100 CFT, मतलब 100 क्यूबिक फीट, ये होता है एक ब्रास। तो अभी ब्रास आता है हमारा, तो उसको हम ऐसे तो हमको सीधे समझ नहीं आता कितना आएगा, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमको समझ नहीं आता तो उसको कन्वर्ट करते हैं समझने के लिए। तो हम अगर उसको एम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 एम क्यूब इज इक्वल टू 35.31 CFT। तो इसको अगर हमको समझो 3 ब्रास का अपना कुछ है, 3 ब्रास का अगर मटेरियलाइज समझो खड़ी है या क्रसेंड है, तो 3 ब्रास को अपने को कन्वर्ट करना है। तो 300 डिवाइड बाय 35.31 जो भी आंसर आएगा उतना एम क्यूब अपना मटेरियल है, वो अपने को कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। फिर जा समझो अभी कॉन्क्रीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कोई और कैलकुलेशन हो रहा है अपना, तो उसके लिए अपने को आसानी रहती। तो ये हो गया कि पहले तो लेंथ का हो गया 3.28 से गुना सीधा 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ये तो हो गया। और इसमें एक और आसान सी ट्रिक है, जब भी आप लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेंथ से अगर आपको एरिया निकालना है, दोनों लेंथ आपकी फीट में दी हुई है, एक समझो 10 फीट 3 इंच है और दूसरी 15 फुट 6 इंची या फिर 15 फुट 9 इंची है, उसका समझो एक रूम का वो डायमेंशन है 10 फुट 3 इंची बाय 15 फुट 6 इंची। तो उसको आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो होता नहीं, कन्वर्ट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो उसको सिंपल सी ट्रिक है, जो भी इंचेस है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, यानी कि फीट में कन्वर्ट कर दो। तो वो समझो 10 फीट 3 इंच है तो वो समथिंग 10 फीट पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो 3 इंच है अपना उसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25, तो वो डायमेंशन हो जाएगा 10.25 फीट। उसी तरह 15 फुट 6 इंची है, उसको 6 इंची को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 0.5, तो उसी तरह वो हो जाएगा 15.5 फीट। तो ये हो गया, ऐसा आप एरिया भी निकाल सकते। और क्यूबिक फुट का तो आपको अभी मैंने बताया, ब्रास में वॉल्यूम कैसे निकाल दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।